जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन सी तीन बातें हैं जिन्हें जानने के बाद आपका जीवन जो है सकारात्मक वे में पूरा बदल जाएगा, चीज़ें जो है बहुत सारी आपके साथ सही हो जाएगी जिसको जानने के बाद। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इसमें जो बताई गई जानकारी है वो बिल्कुल यूनिक है, और यूनिक होने के साथ साथ ये आपको कहीं नहीं बातें मिलेंगी। साथ ही साथ ये तीनों बातें आपके जीवन की अभी वर्तमान में चल रही परेशानी, भविष्य में आने वाली परेशानियों, और साथ ही साथ जो चीज़ें हमारे बस में नहीं होती है, जिसके लिए हम बहुत प्रयास करने के बाद भी चीज़ें नहीं हो पाई रही है, तो इन तीनों को करने के बाद वो बिल्कुल आपके लिए एक सकारात्मक वे में होगा और उसके लिए आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, नहीं तो जानकारी जो है आप अधूरी रहेगी तो तकलीफ दे रही है, मुझे फिर अलग से कमेंट्स मिलते रहते हैं। उससे पहले एक निवेदन है कि आप सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के सकारात्मक चीज़ें इस वीडियो में हमेशा मिलती है। और कुछ हो या ना हो, कमेंट्स में प्लीज़ आप भोलेनाथ का एक यूनिक नाम जरूर लिखें जो आपको अच्छा लगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगता रहेगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, शुल्क नॉमिनल है। सबसे पहली बात है कि तीन बातों को आप यहाँ से पूरी समझें और चीज़ों को समझें। अब हमारे साथ जो भी परेशानी चल रही है उसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें जीवन में कोशिश कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति के साथ एक अलग स्टोरी होती है, एक अलग जीवन की तकलीफ होती है, लेकिन अगर आप इस दरमियान अपने माइंड को, अपने दिमाग को सकारात्मक वे में रखते हैं, मतलब पॉजिटिविटी में रखते हैं, क्योंकि हालात जब ख़राब होते हैं तो बेसिक सा एक फंडा होता है कि हमारा जो दिमाग है, क्योंकि जब हालात ख़राब चलते हैं तो दिमाग भी ख़राब ही सोचता है, ख़राब मतलब ख़राब से मतलब है गलत सोचता है, नेगेटिव चीज़ें सोचता है, कह रहे ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, और हम उसमें बहुत उलझ जाते हैं। तो पहला गुरु मंत्र याद रखना कि चाहे हालात अभी कैसे भी चल रहे हैं, अच्छे बुरे चल रहे हैं माफ़ कीजिएगा, तो उसमें आपको सकारात्मक ही सोचना है चाहे जो भी हो, क्योंकि सकारात्मकता से ही आपको सही रास्ता मिलेगा। दूसरी बात है कि अब आप ये तो सब कर रहे हैं, बहुत से लोग ये मुझे हमेशा कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, हम तो रोज़ भगवान को दो दो घंटे पूजा पाठ करते हैं। तो ये पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपका मंत्र जप करना, किसी एक मंत्र को या किसी एक ईश्वरी नाम का कंटिन्यू 1000 बार, 5000 बार, 1000, 2000 प्रति डे आपको जप करना, क्योंकि अगर आप उसका जप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो मंत्र है वो इस वायुमंडल में हमेशा मौजूद है, और जो जप है वो हमें सकारात्मक जितनी भी शक्ति है वो हमें मिलती है जप करने से, और साथ ही साथ जो चीज़ें हमारे साथ तकलीफ़ और परेशानी चल रही है वो धीरे 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 उनके रास्ते मिलते हैं और स्वतः ही वो एक सही हो जाती है। ये भी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ दोस्तों। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, चाहे कुछ भी हो, अपने माता पिता का बहुत सम्मान करें। ये अधिकतर लोग ये चीज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं करते।